आइए जानकारी लेते हैं कि जो सहायक अध्यापक या शिक्षा मित्र हैं, इनकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर जंतर मंतर वधना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम आलोक सिंह है, मैं जनपद हरदोई से हूँ। हमारी समस्या है, 1999 में भाजपा सरकार में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय हम लोग शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्त किया गया थे। हमारी नियुक्ति खुले तरीके से हुई, मेरिट के हिसाब से हुई। 16 वर्षों काम करने के बाद हमें पिछली सरकार समाजवादी पार्टी सरकार ने हमें समायोजित किया। NCT परमिशन लेने के बाद 2 वर्षीय DBT से करा के हमको समायोजित किया गया। 3 वर्ष हमने नौकरी का की वेतन लिया, लेकिन हाईकोर्ट से हारे। सुप्रीम कोर्ट में BJP सरकार तथा सुप्रीम कोर्ट जो जज लोग हैं, इनकी मिली भगत से हमारा मुकदमा खारिज हुआ। किसकी मिली भगत से? आपने बोला सुप्रीम कोर्ट। BJP गवर्नमेंट की, BJP गवर्नमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट में जो भी जज हुए, जिन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा लिया, जिन्होंने निर्णय दिया, उनका प्रमोशन हुआ। वो प्रमोशन के रिवाज, वो 16 वर्ष वकालत करने के बाद एक जज बन जाता है। हमने 16 वर्ष नौकरी की, उसके बाद जो है शिक्षा मित्र पद से हमारे सहायक अध्यापक पे पद बनाए गए, उसके बाद हमारी यह हालत हुई। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने सारी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर कब्जा कर रखा है। हमारी कोई समस्याएं नहीं दिखाई जा रही हैं, ये हमारी समस्याओं को दिखा रहे हैं। इसलिए हमें आपके चैनल के माध्यम से सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी पीड़ा को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से घर घर तक, हर आदमी तक पहुँचाएँ, जिससे कि हमारी समस्या का समाधान हो सके।